सो गाइज, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं पहले किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करती थी और कैसे स्ट्रीम किया करती थी। तो मैं आपको इस सब का प्रोसेस आप लोगों को आज मैं बताने के लिए जा रही हूँ, और बेझिझक मैं किस तरीके से ऑडियो भी निकाला करती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो भी मेरे स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन में जो है वो मैं पीछे में भेज रही हूँ, और मैं किस तरीके से इसमें वीडियो ऑडियो भी मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं और 1 मिनट में आप लोगों को ऑडियो भी सुना देती हूँ। तो बेझिझक ऑडियो भी आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ऑडियो भी लिया करती थी। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हाय, लव यू। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो वंस अगेन। तो आज के वीडियो में, जिसके मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मैं आज आप लोगों को पूरा प्रोसेस, कैसे मैं पहले लाइव स्ट्रीम किया करती थी, कैसे वीडियो बनाया करती थी, वो सब चीज़ जो आप में से जो भी नए यूट्यूबर हो, जो आ रहे हो, या फिर आप लोग आपका गेम प्ले को रिकॉर्ड करना चाहते हो, और सब भी गेम प्ले एक ही मोबाइल में डालना रखना भी बहुत मुश्किल है, और फिर स्ट्रीम घंटों घंटों तक आप लोगों को स्ट्रीम करने में, अपने दोस्त के साथ खेलते वक्त बोलने में, अगर आप रिकॉर्ड करते हो या फिर स्ट्रीम करते हो तब बोल नहीं पाते हो, ये सब चीज़ कैसे हम सब करते ही कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो। आप ऑफकोर्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत पहले से बोल दी थी कि सुनता रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैं वीडियो बनाने के लिए आ चुकी हूँ। और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन आप लोग, अगर आप लोग आलसी नहीं मानोगे और लेजी नहीं कर लेजी नहीं मतलब आलसी को लेजी बोलते हैं ना, तो लेजी नहीं होगे तो आप लोग आपको से प्रोसेस अपना सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को उसके अंदर जाने से पहले मैं क्या किया करती थी, पहले मैं आप लोगों को सब डिटेल्स में बता देती हूँ, ठीक है। सो पहले, सबसे पहले जब मैं YouTube में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत ही पसंद था, तो मेरे पास गेम खेलने के लिए फ़ोन नहीं था, तो मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदा था, रिलैक्स थाई, राइट। तो जो जापान से मुझे बिल्ली के लिए बैग वगैरह भेजे थे, और रिलैक्स थाई ने सेकेंड हैंड मोटो जी को प्लस मिला दिया था, और वो उससे गेम खेला करती थी, और वीडियो में बना रिकॉर्ड करते वक्त या फिर लाइव स्ट्रीम करते वक्त उससे दिक्कत होता था। तो हमने ये प्रोसेस तभी फाइंड आउट किया था। तो मोटो जी वो प्लस में बहुत ज़्यादा लैग होता था, दर स्क्रीन बहुत कांपता था, तो उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में 500 समथिंग ऐसा कुछ। और उसके बाद मेरे भाई सुमन, आप लोग जानते होंगे, उसको भी पता चला, और उसने उसको मैंने उसका मोबाइल उसको मोबाइल अंकल ने यूकेट से भेज दिया था, हवाई, जो मैंने उससे मांगा और उसने मुझे दिया कि ये यूट्यूब कर रही है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मोबाइल अब तक है मेरे पास, मैं व्हाट्सएप वगैरह सब इसी में यूज़ करती हूँ, लेकिन बैटरी टिकता ही नहीं, तो ये मोबाइल में खेला। फिर उसके बाद ये भी मतलब नहीं होता, इसमें कम से कम 1 घंटा भी नहीं टिकता, बैटरी बैकअप इसका नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने हवाई नोवा 3i ख़रीदा, वो बहुत अच्छा था मोबाइल, लेकिन एक बार पता नहीं गुस्सा आया था, मेरे मोबाइल ऐसे फेंक दिया था तो फट गया मोबाइल। तो फिर मुझे मोबाइल चाहिए, अब मैं क्या करूँ। गरीना से मैंने एक यूट्यूबर, कितने सारे यूट्यूबर ने Realme 3 जीते थे ना, तो उसमें मैंने भी जीता था, लेकिन मुझे बहुत लेट आया वो मोबाइल, तो वो Realme 3 मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उससे पे मुझे जल्दी ही मोबाइल का ज़रूरत था, और फिर तो उसी वक्त मैंने एक और मोबाइल खरीदा था, ये रेडमी, और ये मोबाइल ठीक ही था, लेकिन इससे अच्छा हुआ ये Nova 3i बहुत अच्छा था, रेडमी से ज़्यादा अच्छा वो था। तो फिर सबसे पहले मेरे पास था लैपटॉप, जो उसको भी हमने सेकेंड हैंड में ख़रीदा था, रिलैक्स टेक ने अपने दोस्त को बोल के वो दोस्त ने दिया था, और 25 और 22 ऐसे कुछ 25K ऐसे में दिया था। तो उस वक्त हमारे पास पैसा भी नहीं था इतना बड़ा लैपटॉप वैपटॉप खरीदने के लिए, तो फिर रिलैक्स ने खुद का पैसा दे के
लफा दफा किया करे थे, तो ये डेल लैपटॉप था, बहुत ज़्यादा लैग होता है, अभी तो खुलता भी नहीं है, ऑन भी नहीं होता, इसका बैटरी 5 मिनट तक भी नहीं टिकता अब तो। सो ये था, इसी से स्टार्ट किया था, लाइक सिल्वर प्ले बटन तक इसी से काम चलाया था। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मेरे को और कुछ नहीं खरीदना, नहीं खाना, नहीं कपड़े वपड़े नहीं चाहिए, मुझे दूसरा लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे थे उस हिसाब से मुझे भी खुद को ग्रो करना था। तो मैंने फिर दूसरा लैपटॉप में मैं अपग्रेड किया, तो दूसरा लैपटॉप भी डेल का ही मुझे बहुत पसंद है, तो डेल का ही खरीदा 80K में उस वक्त, तो ये बहुत अच्छा काम दिया, अब तक इसने काम दिया था। तो फिर इसी वक्त यही वर्ष में 2020 में ही मैंने कितना हुआ, चार महीना हुआ, तो मैंने इस लैपटॉप को छोड़ के, क्योंकि अब तो हमारा 3 मिलियन होने वाला है, तो मुझे इसी में ही नहीं रहना है, मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करना पड़ता, पहले तो मुझे नहीं करना पड़ता था उतना ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं भुया में लाइव करती हूँ 4-5 घंटे लाइव, और फिर हमें वीडियो बनाना पड़ता है 2-3 घंटे तक, वीडियो गेम खेलो, फिर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा होगा, और फिर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या 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 क्या, तो इसलिए ये लैपटॉप काफ़ी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने पीसी खरीदा, आप लोगों को पता है, और अब तो 2 पीसी खरीद चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने आईफोन भी खरीदा था, आप लोगों को पता है अभी मैं आईफोन से खेलती हूँ, एंड मेरे पास पीसी इसलिए कि अभी मैं कैप्चर कार्ड वगैरह से करती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग नहीं खरीद सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा उपाय लेके आई हूँ, जो मैं पहले किया करती थी, बहुत अच्छा है। आप लोग जब तक आपके पास मतलब उतना इनफ मनी नहीं होता, जब तक आप लोग हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तब तक आप उसी से काम चला सकते हो, बहुत ही अच्छा मेथड है, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। तो मैं स्क्रीन में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ओके गाइस, सो स्टेप 1 के बात करते हैं, लेट्स वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। तो इफ़ यू डोंट नो हिंदी, देन फॉर यू गाइस आई एडेड सबटाइटल्स, तो यू कैन सी, ओके। सो गाइस सबसे फर्स्ट स्टेप के बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लैपटॉप में या फिर पीसी में वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी नहीं होता है। अगर आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, या फिर आपके पास पुराना सा लैपटॉप हो, या फिर पीसी हो, जिससे भी काम चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि A+ mirroring ऐसा ऐसा क्या क्या यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लैग होता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को SERCPY मतलब एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। आप लोग इसको स्क्रीन कॉपी भी बोल सकते हो, लेकिन इसका नेम है SERCPY, तो इसको डाउनलोड करिए आपके पीसी में। सो गाइस SERCPY मतलब इसको कैसे डाउनलोड का लिंक आप लोगों को चाहिए, कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, और वहाँ पे जाके आप उसके बारे में फुल डिटेल्स में आप लोग पढ़ भी सकते हो उस पेज में जाके। तो SERCPY तो हो गया, अब हम दूसरे चीज़ के बात करते हैं। सो गाइस सेकेंड स्टेप में ये है कि आप लोगों को ADB ये एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, इसको आप लोग इजीली गूगल में जाके सर्च करके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो उसके बाद आप लोगों को मोबाइल चाहिए, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल आप लोगों के पास, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है इस ज़माने में। तो आप लोग सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग में जाइए, और एडिशनल सेटिंग में जब आप लोग जाते हो, थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होता है, डेवलपर ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करिए। जब आप लोग यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हो, क्योंकि आप लोगों को ADB मतलब इस SERCPY ये सब चीज़ यहाँ से कनेक्ट हुए है, तो आप लोग ये डेवलपर ऑप्शन को ऑन करिए, क्योंकि आपका मोबाइल का जो भी चीज़ें है उसको वहाँ तक ले जाना चाहिए ना, इसका मोबाइल का स्क्रीन या फिर जो भी है वहाँ तक पीसी तक आपको पहुँचाना है। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए USB
तो आप लोगों को यहाँ पे देखेगा यूएसबी डिबगिंग, तो मुझे थोड़ा बोलना नहीं आता, यूएसबी डिबगिंग। तो यहाँ पे इसको ऑन करिए, इसके आपका यूएसबी केबल जो होता है मोबाइल का, उसके थ्रू से आपका सब चीज पीसी तक जाएगा, आई मीन लैपटॉप या फिर पीसी जो भी है उस तक जाएगा। और उसके बाद ओके गाइस, तो अब तक हमने हमारा मोबाइल और पीसी का हमने जो भी बात करना था उन दोनों का उतना ही है, ज़्यादा नहीं है, वो हमने करा दिया, ठीक है। तो अब मैं मोबाइल में ये है यूएसबी केबल, जो मोबाइल का ही चार्जर है उसको मैं डालती हूँ मोबाइल में। और यहाँ पे ओके, आप लोग इनमें से जो भी कर सकते हो, मैं कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला था, लोकल डिस्क मतलब एक सी ड्राइव में आप लोग ADB और SCRCPY को डाल दो। तो यहाँ पे ADB देख सकती हो, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा है, ADB को मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SCRCPY ADB के अंदर ये फाइल है। तो मैं इसको ऑन करूँगी तो आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है यहाँ आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि अभी फ्री फायर नहीं खोलते, अमंग अस खोलते हैं ना, क्योंकि फ्री फायर के अंदर गेम ऑन करो फिर उसमें म्यूजिक सुनूँ बोर लगता है, ये यहीं पे आ जाता है। तो रुकी थोड़ा से, इसको बड़ा वाला स्क्रीन में कराते हैं। तो यहाँ से आवाज़ मेरा यहाँ से आ रहा है अभी, लेकिन बाद में मैं ये आवाज़ को यहाँ पे भेजूँगी। तो क्योंकि अगर आपका यहाँ पे आवाज़ आएगा, यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड करना है या फिर यहाँ से स्ट्रीम करना है, तो आप लोगों का ये आवाज़ तो यहाँ तक नहीं जाएगा, तो फिर व्यूअर्स आपका आवाज़ नहीं सुनेंगे, वीडियो का आवाज़ या फिर आपका आवाज़। तो हमें इस आवाज़ को इधर पहुँचाना है और यहाँ का आवाज़ भी खुद को सुनना है। अभी भी शाम का काम बाकी, तो थोड़ा सा धैर्य करिए। ओके, तो यहाँ पे ये सब हो चुका है ना। ओके, तो इसको रुकिए, थोड़ा काम करते हैं, बोलो मेरा कान खराब कर रहा है। तो अब मैं आप लोगों को आवाज़ के बारे में, आई मीन साउंड के, आवाज़ बोलना आता है, अब मैं आप लोगों को साउंड कैसे आप लोग यहाँ का साउंड मोबाइल का साउंड पीसी में लोगो, और पीसी में जो भी आप लोग यहाँ पे खेलते हो, जो भी साउंड यहाँ पे आपका टीममेट्स का आता है या फिर आप बोलते हो या गन चलाते हो, कुछ भी साउंड यहाँ पे जो भी आप लोग करते हो, ये साउंड यहाँ कैसे जाए और आपका कैप्चर हो जाए यहाँ पे। और यहाँ से भी तो आपको सुनना पड़े, इसे कान बिना सुने बेरो के तरह आप तो नहीं खेल सकते हो। तो आप लोगों को भी कैसा सुना ये सब मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ। ओके गाइस, तो आप लोगों को अब तक हमें यहाँ पे साउंड आ रहा है मोबाइल पे। अब ये साउंड को उधर भेजने के लिए आप लोगों को कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को चाहिए बस ऑक्स केबल। आप लोगों को सबको पता होगा जो भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, आप लोगों को ऑक्स केबल चाहिए। ऑक्स केबल मतलब एक मोबाइल पे जाएगा, एक इसका लैपटॉप पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ, मेरा लैपटॉप का यहाँ पे पोर्ट है मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत बार डाल चुकी हूँ, तो आप चिप करके मैं डाल सकती हूँ। और एक यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन इन वाला ऑप्शन आता है, आप लोगों को क्या करना है, बहुत बार हमें माइक इन हेडसेट वाला आ चाहिए, यहाँ पे लाइन इन भी आता है। तो आप लोगों को लाइन इन में क्लिक करिए और इसको करिए ओके। और रुकिए, बाप रे डरा दिया, तो मैंने लाइन ओके थोड़ा काम करते बोलूं। आप देखिए गाइस, मैंने जब लाइन इन कर दिया मोबाइल पे साउंड नहीं आया, मोबाइल से साउंड नहीं आया अब ये आया पीसी से, पीसी में आ चुका है साउंड हमारा, मोबाइल पे नहीं आया है। तो पीसी में साउंड आ चुका है, रुको वॉल्यूम कम करते हैं, तो मोबाइल पे साउंड आया। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो भी हमारा मोबाइल पे आप लोग जो भी कर रहे हो, आपका स्क्रीन, आपका मोबाइल में जो भी इंटरनल वॉइस, इंटरनल जो भी होता है वॉल्यूम वगैरह वॉइस, और वो सब चीज़ यहाँ आ चुका है, इंटरनल ऑडियो, आई मीन कितना भुलक्कट हूँ ना मैं, इंटरनल ऑडियो इसका सब चीज़ यहाँ पे आ चुका है पीसी पे, क्योंकि आपने ऑक्स केबल के थ्रू से आपका मोबाइल का ऑडियो को भी इधर भेज चुके हो। तो अब बात आई, अब आप कैसे खेले, ऐसे ही तो नहीं खेल सकते हो आप लोग, तो आप लोगों को सुनना भी तो ज़रूरत है, आपका टीममेट्स का बोली वॉइस आपको सुनना है, आपको गेम के अंदर एनिमी कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं सब चीज़ सुनना है, राइट। तो उसके लिए अब हम करते हैं, तो दो ऑप्शन है उसके लिए भी, दो ऑप्शन है। अभी तो बहुत इजी हो चुका, पहला मेरे जो पुराना वाला डेल था उसमें थोड़ा
थोड़ा मुश्किल प्रोसेस हमें अपनाना पड़ता था ऐसे लैपटॉप में। तो आ लीजिए, आप लोगों को दो चीज़ें, या फिर आप लोग को स्ट्रीम या फिर आपको रिकॉर्ड करने के लिए OBS से जाते हो ना, तो आप लोगों को वहीं से भी, आप लोगों को आवाज़ का वहीं से भी करा सकते हो। नहीं, आप लोगों को वहीं से नहीं, वहाँ से नहीं कराना है, दूसरा तरीके से कराना है, वहाँ से भी करा सकते हो। तो मैं आप लोगों को कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोगों को कंट्रोल पैनल में जाके आप लोगों को साउंड में जाना पड़ेगा, और लैपटॉप खुल गया था। तो यहाँ पे, सो यहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में, और यहाँ पे लाइन इन आप लोग देख सकते हो, जिसके थ्रू से आपका मोबाइल का वो लाइन इन किया था। ये लाइन इन में आके फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को कंट्रोल पैनल में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको साउंड में आइए। साउंड में आते हो, अरे खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आइए आप, रिकॉर्डिंग प्लेबैक, रिकॉर्डिंग साउंड्स, कम्युनिकेशंस दिख रहा है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग में क्लिक करना चाहिए। तो ये लाइन इन में जाइए, डबल क्लिक करिए लाइन इन में, ठीक है। डबल क्लिक करते हो तो आप लोगों को लिशन, मतलब आप लोग का जो मोबाइल का पीसी में गया है वहाँ का चीज आप लोगों को सुनना है, तो इसलिए लिशन। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था अंकल का। ओके, तो आप लोगों को लाइन इन में डबल क्लिक करके आप लोग लिसन में आओ। लिसन में आके आप लोगों को ओके करना पड़ेगा, क्योंकि सो आप लोगों को साउंड में आके लाइन इन में आके आप लोगों को लिसन में जाइए। लिसन में लिसन टू दिस डिवाइस, मेरे ऑलरेडी टिक है, अगर टिक हटा दोगे तो आप लोग नहीं सुन पाओगे, लेकिन आप लोग टिक करोगे तो सुन पाओगे, और आप लोगों को ओके करना चाहिए। तो इसका मतलब अब आप सुन भी सकते हो। तो सुनने के लिए आप क्या करें, ओके, तो सुनने के लिए या तो मेरे पास पहले आप लोग सस्ता सा हेडसेट ले लीजिए। मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था मेरा टूटा फूटा हुआ हेडसेट, जिस 200 रुपये में मैंने खरीदा था। एक तो लैपटॉप खरीदते वक्त मिला था, वही हेडसेट से मैं काम चला क्या करती थी, और जब तक मेरे पास ये लैपटॉप नहीं था उस वक्त मेरे पास हेडसेट नहीं था, तो मैं क्या करती थी कि ये जो ऑक्स केबल है, ऑक्स केबल के जगह मैं ऑक्स केबल भी यूज़ नहीं करती थी। तो क्या करती थी, स्पीकर होता है ना जो इतना डला डला सा स्पीकर होता है, स्पीकर का दो होता है, तार होता है, एक आप लोग को मोबाइल में डालने वाला भी होता है, एक आप लोगों का और ऐसा ही USB जैसा टाइप का होता है। उससे क्या होता था कि एक ही माइक सोर्स होता था, तो मैं माइक से जो भी आया आवाज़ उस माइक के थ्रू से वहाँ पे पीछे पे जाता था, जो भी उधर से आया वो मेरे सुनती थी। तो मैं स्पीकर से ही खेला करती थी, तो मैं उतना अच्छा नहीं खेल पाती थी, क्योंकि कहाँ से आने में आया कहाँ से नहीं आया, गाड़ी इधर दिखाता है आवाज़ इधर से आता है लेकिन गाड़ी इधर से आता है, ऐसा हुआ करता था। मैं एक वर्ष तक तो ऐसे ही खेला, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हुआ। तो यही है, तो अब फाइनली हमने सब चीज़ बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं OBS का, ठीक है। मतलब कैसे स्ट्रीम करना है, आप लोगों को कैसे रिकॉर्डेड करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सीधा सीधा जाके OBS डाउनलोड करो। आप ये फ्री ऐप पे है जहाँ से आप लोग स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर कुछ भी, बहुत ही अच्छा है। कहाँ गया मेरा OBS, तो OBS खोलिए, और यहाँ पे आप लोग खुद का स्क्रीन खुद मिला के रख सकते हो। अभी यहाँ पे क्यों काला काला दिखाया, क्योंकि मैंने इसको मिनिमाइज करके रखा है। आपको ये मिनिमाइज नहीं करना है, मैं बहुत बार पहले भूल जाती थी और मिनिमाइज करके रख देती थी, इसलिए मुझे नहीं दिखाता। तो यहाँ पे पहले से ही मिला हुआ है राइट मेरा, और फिर यहाँ पे सब चीज़ है। यहाँ से माइक से आप लोग बोल सकते हो, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे रेड दिख रहे हो आप लोग। और तो अब यहाँ पे लाइक ए स्क्रीन, स्क्रीन का काम हो गया, ठीक है। ए स्क्रीन आप लोग इसको मिला के रख सकते हो अपने हिसाब से, आराम से मिला के रख सकते हो, मुझे लगता है यही ठीक है राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को साउंड के बारे में बात किया था राइट, साउंड को ऑडियो को कैसे भेजना है, कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों को जो कंट्रोल पैनल वाला चीज़ें था उसमें आपको दिक्कत लगता है, बोरिंग लगता है, लंबा लगता है, तो आप लोग सीधा OBS से भी कर सकते हो। OBS से कैसे करना है, आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोसेस है पहला वाला, वो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। एडिशनल सेटिंग ऐड में जा सकते हो आप लोग, यहाँ जाके आप लोग को क्या ऐड करना है, ऑडियो इनपुट कैप्चर, तो आप लोग इसमें क्लिक करिए और आप ओके कर दीजिए। और
तो यहाँ पे डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट में है, लेकिन आप लोगों को लाइन इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने काउंटर पैनल में सामने जाइए और फिर लाइन इन करिए ऐसा बोला था, लाइक दिस डिफॉल्ट में आइए, लाइन इन का ऑप्शन है, तो लाइन इन को ओके करिए और ओके करिए। तो यहाँ पे अब मोबाइल पे मैं आवाज़ लगाती हूँ तो यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, ठीक है, तो इसको कम करते हैं अभी। अब यहाँ तक क्या हुआ कि अब तक जैसे कि पहले जैसे कि आप लोगों ने लाइन इन को डबल क्लिक करके वहाँ से आप लोग खुद को सुनने के लिए लिशन वाले भी नहीं किया, वहाँ तक नहीं था ना, जैसे कि लाइन इन ही था, तो लाइन इन मतलब मोबाइल का जो भी साउंड सोर्स है ऑडियो सोर्स है वो सब यहाँ जा चुका है, लेकिन अब आप लोग को सुनना भी चाहिए तो सुनने के लिए फिर से आप लोग इसी में जाइए, सेटिंग में ऑडियो इनपुट कैप्चर का इसमें जाइए और यहाँ से आप लोगों को एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पे आके आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसका मॉनिटर ऑफ है, इसको आप लोग क्लिक करिए, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आप लोगों को, मॉनिटर एंड आउटपुट यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लोज करिए इसको और आपका दोनों काम हो गया। आप यहाँ से बंद कर दोगे तो यहाँ से नहीं सुन पाओगे, ऑन करोगे तो सुन पाओगे, ये बंद करोगे तो यहाँ का जो भी आवाज़ जाता है उधर वो बंद हो जाएगा, ऑन करोगे तो खुल जाएगा। सो सिंपल है गाइस, तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप में से जो भी सच में कुछ करना चाहते हो आप लोगों के लिए है स्पेशली ये वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से आप लोग ये काम करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के एक दिन का काम है राइट, तो इतना थोड़ा एक दिन के लिए आप लोग थोड़ा सा भी कष्ट उठाओगे तो आप लोगों को 4-5 वर्ष तक जब तक आपके पास वो इनकम नहीं होता है, जब तक आप अच्छे डिवाइस अच्छे पीसी कैप्चर कार्ड वगैरह खरीदेगा तब तक आप लोग ये कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे से कमेंट दोगे, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक एंड शेयर करिए, और आपको जो भी दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ गुड डे।